स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई स्टडी आई क्यू सो अगेन दिस इजेड सेशन एज आई टोल्ड यू की जो हफ्ता है पूरा का पूरा इसमें थोड़े से रिकॉर्डिंग सेशन चलेंगे तो रिकॉर्डिंग सेशन है तो इसके लिए आई है एक तो रिकॉर्डेड एंड बेसिकली चैप्टर्स भी बहुत ज्यादा बड़े हैं जो मैंने आपको पिछले सेशंस में बताया था तो दैट्स वी विल कंटिन्यू दिस ट्रेंड ओनली जहाँ पे वी विल बी डिवाइडिंग द चैप्टर्स इनटू टू पार्ट ताकि मतलब 30-40 मिनट का एक वीडियो बने ताकि ज्यादा लोड ना पड़े आप पे भी और मेरे पे भी तो लेट्स गो गाइज वन बाय वन सबसे पहले तो अगेन जो एंड पीपीटी फिर जो क्रक्स मटेरियल है दैट विल गेट टाइमली अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल सी एस सी विद साइन नागरे सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल वहां पर दोनों मिल जाएगा रिलेटेड टू द इकोनॉमिकल सोशल एजुकेशनल एंड रिलीजियस बिलीफ तो ये वाले चैप्टर में सिर्फ इकोनॉमिकल बिलीफ या फिर इकोनॉमी जो है उसी के ऊपर बात करेंगे ओवरऑल इकोनॉमी एंडर आफ्टर एजुकेशन साइंस एंड टेक ऐसी थोड़े बहुत जो फैक्टर्स है वो देख लेंगे एंड फिर जो बचा हुआ पार पार्ट है वो चैप्टर पार्ट टू जो है अगेन एज फार एज यू एस सी इज कंसर्न काफी फैक्चुअल डाटा ही यहाँ से एक्सपेक्टेड है बट इकोनॉमी है इकोनॉमी का प्रोसेस हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स में भी देखा था कि सबसे पहले तो आपको एग्रेरियन सरप्लस लगेगा जब आपके पास एग्रीकल्चरल सरप्लस होता है तब जाके आपकी जो पॉपुलेशन जो है दैट विल बिकम नॉन एग्रेरियन सो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इफ़ इट हैज बी नॉन एग्रेरियन देन आपको एग्रीकल्चरल सरप्लस लगेगा एंड वॉज द पॉपुलेशन बिकम नॉन एग्रेरियन देन ऑब्वियसलीट पॉपुलेशन वॉट इट विल डू

हमने देखा था फ्यूडिज्म है उसका अर्लिएस्ट वर्जन डेवलप्ट होना चालू हुआ था इट वॉज मौरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय शूद्राज एंड स्लेज इन टू एग्रीकल्चर सो लैंडेड जेंट्री एंडर आफ्टर सात वाहन पीरियड ऑनवर्ड जो मिडल जेंट्री है दैट इज बेसिकली फ्यूडल लॉर्ड्स जो उनकी डेवलपमेंट इंडिया में चालू हुई थी एंड फ्रॉम दैट पीरियड ऑनवर्ड इट पीरियड ऑनवर्ड वी कैन सी दैट इंडिया में एग्रीकल्चरल सरप्लस जो है वो बना रहा है बट फ्यूडालिस्टिक सोसाइटी जो है वो इन दिस पर्टिकुलर पीरियड अर्ली मीडियबल पीरियड मतलब 800 से लेके 1200 हंड्रेड एडी में इट वॉज बेसिकली एट द

और वी कैन कॉल एज अ रूरलाइजेशन अग्ररियनाइजेशन एंड रूरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी जो वो हमेशा से ही होता है दिस इज समथिंग दैट वी हैव नाउ डिस्कस तो वही है अग्ररियन इकोनॉमी है तो एग्रीकल्चरल सरप्लस है अगर एग्रीकल्चर सरप्लस है तो सर्टन सॉर्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हुई है छोलास के टाइम पे हमने देखा था देर आफ्टर अर्ली मिडिवल पीरियड में हमने देखा था कि कुछ कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया में डेवलप्ड हुई है सो ऑब्वियसली ट्रेड जो है वो भी अब क्या होगा बढ़ता रहेगा अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और था कि जो ओवरसीज ट्रेड हो रही थी जिसमें बेसिकली वी हैड सीन की हॉर्सेस एंड दर आफ्टर सिल्क जो है वो इंपॉर्टेंट था छोला डायनेस्टी में तो उसके वजह से भी इंडिया में जो ट्रेड जो है इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में इवन दो इट वॉज नॉट दैट ग्रेट एज ऑफ एंशंट इंडिया बट ये टाइम में सर्टन सॉर्ट ऑफ द दे ट्रेड डेवलपमेंट जो है वो हम लोगों को दिखे हैं तो एक एक करके देखेंगे सबसे पहले फिडालिस्टिक सोसाइटी जो है हैली सी डिक्लाइन ऑफ द अर्बन टाउन दर आफ्टर एबसेंस ऑफ द गोल्ड एज वेल एज सिल्वर कॉइन ही हम लोगों को दिखा है ये हमने गुप्ता पीरियड में ही हम लोगों ने इसकी बात कर ली थी आई हैड टोल्ड यू कि कैसे गुप्ता कॉइन एंड दर आफ्टर कुशान के कॉइन्स जो है अगर वो हम लोग कंपेयर करें देन कुशान के कॉइन में गोल्ड का परसेंटेज ज्यादा था एज कंपेयर टू गुप्ता तो गुप्ता परसेंट एज प्योर एज दैट ऑफ द कुशाना मतलब 50 परसेंट इम्प्योरिटीज आ चुकी थी गुप्ता के गोल्ड कॉइन्स में राइट right? एंड ये क्यों हुआ था बिकॉज रोमन्स हैड बैन ट्रेड विथ इंडिया इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में रोम ने इंडिया के साथ ट्रेड बैन कर लिया था

एंड फिर तब से ये जो ट्रेड है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में ही है लोकलाइजेशन मतलब रूरलाइजेशन एंड अग्ररियनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी ये भी बेसिकली फ्यूडल सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल ही होता है मैंने आपको बताया भी था व्हेन वी वे बेसिकली कंपेयरिंग इंडियन फ्यूडलिज्म टू द वेस्टर्न फ्यूडालिज्म तो कुछ एक मिलिट्री एडवेंचरिज्म नाम का एक कंसेप्ट हमने देखा था ये जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म थे है वो क्या है इट इज़ नथिंग अल्टीमेटली जो फ्यूडल लॉर्ड आपने जो डेवलप करके रखे है मतलब किंग ने अल्टीमेटली ये जो है वो इंडिपेंडेंस चाहते थे एंड दैट इज ऑट अल्टीमेटली हुआ भी बट अगर ये इंडिपेंडेंस चाहते हैं देन उनके अंडर का जो लैंड है ऑब्वियसली उसके ऊपर उनको फोकस देना पड़ेगा उनके लोगों को अपने लिए जो है वो एलिजियंस या फिर लॉयल्टी जो है वो बिल्ड करनी पड़ेगी एंड अल्टीमेटली हुआ भी वही यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस टेंडेंसीज है लोकल लेवल पे बिकॉज ऑफ दैट एस्पेक्ट जो रूरलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन ऑफ द इंडिया का जो इकोनॉमी पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम हुआ वो इस पीरियड में हम लोगों को दिखाई देता है एंडरफ्टर सर्टन न्यू पार्टनर्स है वो भी हम लोगों को यहाँ पे मिले हैं तो जो बेसिकली पर्शिया के अराउंड है, मतलब है तो रोमन एम्पायर बाई दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वेस्ट एंड ईस्ट में डिवाइड हुआ था तो जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो बाइजेंटाइन एम्पायर है ये समवेर अराउंड मॉडर्न डे टर्की के अप्रोक्सिमेटली या फिर टर्की के अराउंड जो है ये बना था तो ये बेसिकली अब नए पार्टनर्स थे हमारे हमने देखा भी था कि यहाँ पे जो अरेबियन देर पर्शियन ट्रेडर जो रहते थे दो ट्रेडर्स वेर कैरिंग आउट ट्रेड ऑफ हॉर्सेस और किसके साथ कैरी आउट करते थे तो साउथ इंडिया के साथ एंड प्रिस छोलास के साथ ये हम लोगों ने देखा भी था तो छोला जो है दे हैड मेंटेन गुड कॉन्टेक्ट विद दिस इस्लामिक मर्चेंट सर्टन इस्लामिक मर्चेंट हमने देखे, देखे भी थे अगर आपको याद रहेगा पिछले दो तीन लेक्चर देन एक सुलेमान नाम का एक मर्चेंट जो है वो आया था किसके कोर्ट में तो अमोघ वर्षा के कोर्ट में एंड उसने अमोघ वर्षा को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड भी बोला था अलोंग साइड द किंग ऑफ बगदाद किंग ऑफ चाइना राइट तो दिस इज समथिंग दैट क्लियरली शोज की जो नए ट्रेडिंग पार्टनर जो अभी इंडिया के जो बन रहे थे वो भी हम लोगों को ये पीरियड में दिखे है देर आफ्टर ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया एज फार एस साउथ ईस्ट एशिया इस कंसर छोला में ही मैंने आपको बहुत ही इलेबोरेटली समझा दिया था साउथ ईस्ट एशिया इंपॉर्टेंट क्यों है क्यों है तो स्ट्रैट ऑफ मलाका स्ट्रैट ऑफ मलाका जहां पे होगा आपका साउथ ईस्ट एशिया जो है वहीं वहीं वही पर है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्यों बिकॉज से सारा का सारा जो चाइनीज ट्रेड जो है वो फ्लो होता है राइट तो ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया जो है वो भी इस टाइम पे बढ़ा है देर आफ्टर फिर सेल्फ सफिशियंट इकोनॉमी जब लोकलाइजेशन होगा देन ऑब्वियसली सेल्फ सफिशियंसी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा ये सारे इंटरकनेक्टेड फैक्टर है किंग किंग के नीचे फ्यूडल लॉर्ड उसके नीचे लैंडेड जेंट्री लैंडेड जेंट्री मतलब कौन पीजेंट फार्मर फ्यूडल लॉर्ड मतलब कौन तो ब्राह्मणा या फिर क्षत्रिय एंड किंग भी बेसिकली ब्राह्मणा या फिर क्षत्रिय ही होता था बट किंग बड़े लेवल पे फ्यूडल लॉर्ड छोटे लेवल पे वी कैन से फ्यूडल लॉर्ड तो जो, जो है सिंस दे हारबर्ड इंडिपेंडेंस की इंडिपेंडेंस करना है देन ऑब्वियसली उनका जो लैंड है उसी के ऊपर उनका सारा फोकस हमेशा से रहा है एंड फिर वो सेल्फ सफिशियंसी के ऊपर ही जा रहा था बिकॉज ऑब्वियसली बड़े किंग से अगर आपको इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम करना है देन आपको सेल्फ सफिशियंसी लगेगी बिकॉज यू आर सिवियरिंग कॉन्टैक्ट विद द किंग एंड इन दैट कैपेसिटी फिर आपके पास जो लैंड है वो सेल्फ सफिशियंट होना चाहिए एंड दैट्स साउ फिर ये सेल्फ सफिशियंट विलेज इकोनॉमी जो है वो अब इंडिया में डेवलप होना चालू हुई थी ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर ये मैंने आपको पहले ही बताया था ये तो हमेशा से ही बेस रहा है और ये जो बेसिकली ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर है यही एक फ्यूडिज का प्राइमरी पैरामीटर है fidelism तो 9, 10 या फिर इवन फ्यूडिज सेंचुरी ऑनवर्ड डेवलप्ड हुई चीज है इंडिया में बट ये प्रोसेस एक टाइम पे किसने चालू किया था ये प्रोसेस हमने देखा था तो मौर्य ने चालू किया था बिकॉज एग्रीकल्चरल सरप्लस चाहिए था तो क्या किया मौर्य ने सारा लैंड अपने अंडर लेके आए एंड लेके आने के बाद जो लैंड है उसके ऊपर शूद्र एंड स्लेव इनको एम्प्लॉयमेंट देना चालू कर दी बट अब पूरा इंडिया में लैंड फैल चुका था पूरे इंडिया में एम्पायर फैल चुका था एंड फिर पाटलिपुत्र में बैठ के ये सारा जो लैंड है इसको मैनेज करना डिफिकल्ट होगा मौर्यस ने तो इसके ऊपर ज्यादा कुछ सोचा नहीं बिकॉज दे हैड इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बट बाद में जब फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया हुआ पोस्ट मौरियन पीरियड में प्रिसाइजली तो ये फ्रेगमेंटेशन के टाइम पर हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं कि लैंड ग्रांट जो है वो अब दो पर्पज के लिए दिए जाने लगे है वो भी हमने देख लिया था सबसे पहले तो क्या करना है एग्रीकल्चरल सरप्लस लाना है तो उसके लिए क्या करोगे आप ब्राह्मण पहले एंडराफ्ट क्षत्रिय इनको पकड़ के जो आउटस्कर्ट वाले जो एरिया है, वहां पे आपने भेजना चालू कर दिया ब्राह्मण क्षत्रिय आउटस्कर्ट वाले एरिया पे जाता था वहां का लैंड जो है वो साम्राज्य दैट इज किंग के अंडर लेके आता था फिर वहां का जो पीजेंट है ओके okay, या फिर जो लोकल बंदा जो है बेसिकली ट्राइबल बंदा होता था उसको आप आर्यनिकल सोसाइटी में लेके आते हो तो इसको आप पीजेंटाइजेशन ऑफ द ट्राइब भी बोलोगे तो आपने वो ट्राइबल बंदे को आर्यन सोसाइटी में भी लेके आए उसको एग्रेरियन क्लास भी बना दिया एंडर आफ्टर खुद उस लैंड पे भी बैठ गए तो खुद कौन बन गए तो फीडल लॉर्ड बन गए तो ब्राह्मण क्षत्रिय जो है ये फीडल लॉर्ड बनना चालू कब हुए सात पीरियड ऑनवर्ड हमने देखा था कि पहले लैंड ग्रांट दी, दी गई थी किसको तो सिर्फ ब्राह्मण को. तो को. को तो ये, ये डेवलप किए थे किसने तो सात वाहना पीरियड ऑनवर्ड अब यहाँ आते आते उनको सिर्फ लैंड ग्रांट में रेवेन्यू राइट ही नहीं तो और भी राइट मिले तो वो कौन सा राइट था देन ओनरशिप वाला राइट था एंड इन दैट कैपेसिटी फिर ये जो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर जो यहां पे हुई है नाउ दिस वॉज अ वेरी वेल सीमेंटेड फैक्टर गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड ही ऑफ़ इंडिया का चालू हुआ था because feudal tendency, जो गुप्ता पीरियड में हमको सबसे ज्यादा दिखी है फिर ये जो जो पूरा का, पूरा का है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो दो बेसिकली वी कैन से दैट जो प्रोसेस है फिर ट्राइब ये अभी हम लोगों ने एंशियंट टाइम में इलेबोरेटली इसके ऊपर डिस्कस करके रखा है Not be dwelling on it again. फिर हमारे पास धर्म श्रुति है, 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 है।, है।, तो है ये दोनों के दोनों है लॉ बुक ऑफ इंडिया ओके बट ये लॉ बुक किसके है तो एस वर एस धर्मशास्त्र इज कंसर्न दिन ये पुराना बेस्ड लॉ बुक्स है तो पुराण में जो प्रिंसिपल दे के रखे है वो प्रिंसिपल ओके एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने का काम ये धर्मशास्त्रा में हुआ है एंड जो धर्म स्मृति जो है वो बेसिकली वेदिक बेस्ड टेक्स्ट है तो अगर वेदिक बेस्ड लॉज जो है उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसने किया है तो धर्म स्मृति ने किया है तो धर्म स्मृति तो धर्म होगी धर्मशास्त्र होंगे ये दोनों क्या है इंडिया के एनशियट लॉ बुक्स है एंड फिर दोनों का एक अपना बेस है कि भाई पुरान में ये बोला है तो वो होना चाहिए एंड उसके लिए ये लॉ है वैसे ही वेदा में ये लिखा है तो वो होना चाहिए एंड फिर उसके लिए क्या है तो ये लॉ है तो ये बताने का काम बेसिकली धर्मशास्त्र एंड आफ्टर धर्म स्मृति जो है उन्होंने किया है कुछ कुछ धर्म स्मृति तो आपको पता भी है दैट इज मनुस्मृति आपने नाम सुना होगा नारद स्मृति भी हम लोगों ने देखा था तो नारद स्मृति मनुस्मृति ये बेसिकली लॉ बुक्स है एंशंट इंडिया के और ये लॉ बुक मतलब क्या है बेसिकली धर्म और अपहोल्डिंग ऑफ धर्म और लॉ बताने का काम करते हैं बट इनका बेस जो है अगर स्मृति होगा वो क्या है वेदिक है अगर शास्त्र होगा तो वो क्या है तो वो पुराना बेस्ड है तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द धर्म एंड धर्म स्मृति एंड फिर दोनों टेक्स्ट में पहले धर्मशास्त्र ने दर आफ्टर धर्म स्मृति ने क्या किया है लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेवल है उसके ऊपर बैन लगाना चालू कर दिया है ये भी बेसिकली उसी की वजह से किया था बिकॉज ऑफ फ्यूडल सोसाइटी आ चुकी है अगर बेसिकली एक फ्यूडल लॉर्ड है उसके अंडर पीस ऑफ लैंड है देन वहां के लोग वो लैंड छोड़ के कहीं दूसरे जगह ना जाए तो इसके लिए फिर धर्म में ही ऐसे लॉ डाल दिए कि भाई आपको जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो नहीं करना है ताकि वो जो बंदा है अपने लैंड पे ही बैठा रहे एंड फिर अपना जो मालिक है दैट इज फ्यूडल लॉर्ड है उसके लिए लॉयल बनता रहे तो ये बेसिकली नीड ऑफ द टाइम थे उसके वजह से यह डाला अल्टीमेटली वी विल सी 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें वन ऑफ द रीजन फॉर द वाज दैट दे वर फोर्स टू गो ओवरसीज इनटू द बर्मा तो ओवरसीज ट्रेवल वाज वन ऑफ द रीजन फॉर द रिवॉल्ट ऑफ एटीन राइट तो वो हम लोग देखेंगे बाद में बट वैसे वाले जो लॉज जो है वो इस पीरियड ऑफ टाइम में जो हमारे लॉ बुक जो है उसमें आने लग गए थे और उसका जो रीजन था वो भी मैंने अभी आपको बता दिया था बट स्टिल वी कैन क्लियरली सी कि जो उसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी था वो अभी भी नेग्लिजिबल था बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के एविडेंसेज हम लोगों को मिले हैं कंटेम्प्रेरी बुक है हरी सेना बृहद कथा कोश उसमें हम लोगों को लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के एविडेंसेस मिले हैं फिर छोलास के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था छोलास के टाइम पे भी हम लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के एविडेंसेस जो है वो बेसिकली मिले हुए है देर आफ्टर फिर गिल्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन अब एंशंट इंडिया में हम लोगों ने इनके बारे में बहुत पढ़ा तो आई एल नॉट बी देम अगेन जस्ट फैक्चुअल डाटा में याद रखना कि एक मनी ग्रामम एंड नान देश ये दो बेसिकली क्या है देन बड़े मर्चेंट गिल्ड है जिनके नाम हम लोगों को गुप्ता पीरियड ऑफ टाइम में भी मिले हैं एंड अभी भी मिले हैं तो दैट्स आई वी कंसिडर दम कि ये अपने जमाने के एक बड़े मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन या फिर बड़े गिल्ड जो है या फिर श्रेणीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो वो हो सकती है देर आफ्टर फिर न्यू आइडियाज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करनी चालू कर दी थी इसके लिए अगेन एंशेंट इंडिया मैंने आपको बताया था कि कैसे ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट आइडिया जो साउथ इंडिया में फैली आर्यनाइजेशन ऑफ द साउथ इंडिया हुआ उसके लिए कंसेप्ट ऑफ अवतारा जो है उसका हेल्प लिया गया था राइट राइटर आफ्टर फिर वही है अस्िम्यूलेशन ऑफ द कल्चर की जब अपनी आइडियाज जो है वो आप आर्यवर्त के बाहर फैलाओगे देन ऑब्वियसली क्या होगा देन असिम्युलेशन ऑफ द कल्चर जो है वो ऑब्वियसली होगा और ये सिर्फ विद इन इंडिया नहीं आउटसाइड ऑफ इंडिया भी हुआ हमने इसका भी एक एस्पेक्ट देख लिया था दैट इज तांत्रिक प्रैक्टिसेस तांत्रिक प्रैक्टिसेस के बारे में आपको बताया भी था कि एक जमाने में ये झाड़ फूक वाली विद्या हुई होगी बट ये वाली जो प्रैक्टिसेस है वो हिंदू रिलीजन में अल्टीमेटली इन्वॉल्व की गई कैसे देन ऑब्वियसली आप साउथ इंडिया में गए वहाँ पे आर्यनाइजेशन का प्रोसेस चालू हुआ वहां के जो ट्राइबल लोग हैं लोकल लोग हैं उनको आपने आर्यन सोसाइटी में लाया तो लोकल लोगों का रिलीजन भी आपके पर्टिकुलर सोसाइटी में आ गया एंड फिर उनका रिलीजन यही है बेसिकली तंत्र मंत्र वाली विद्या या फिर तांत्रिक प्रैक्टिसेस जिसका अर्लिएस्ट रेफरेंस हम लोगों को अथर्व वेदा में मिलता है राइट right? अथर्व वेदा इज बेसिकली बुक ऑन द प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे थे उसके बारे में है बट बाय सेंचुरी एडी नाउ वी कैन क्लियरली सी तांत्रिक अब आर्यनिकल रिलीजन में ही आ गई थी दैट इज हिंदू रिलीजन में ही आ गई थी तो ये असिमुलेशन ऑफ द कल्चर के भी हम लोगों ने कुछ कुछ एविडेंसेस जो है वो अब एंशियट इंडिया में एंड आफ्टर अर्ली मिडिवल इंडिया के जो पहले दो तीन लेक्चर हुआ है उसमें देख लिए थे देर आफ्टर वी आर हैविंग सर्ट एन फ्लरिशिंग पोर्ट ऑल्सो फैक्चुर डाटा अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है तो कुछ कुछ पोर्ट आपको देखने पड़ेंगे एक दो तो मैंने आपको समझा भी दिए थे चौल होगा दाभोल होगा राइट तो ये जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है जहां से हॉर्स ट्रेडिंग कैरी आउट की थी वैसे भरूच एक पोर्ट था तो वैसे ही कुछ और पोर्ट के नाम भी याद रख लेना ताम्रलिप्ति ये एंशियंट पोर्ट है जो उत्तर पथ हम लोगों ने देखा था एनशियंट टाइम में जो तक्षशिला से चालू होता है वो ताम्रलिप्ति में ही आके खत्म होता था तो ताम्र लिप्ति और तामलोक वॉज दी पोर्ट ओवर हियर ऑल्सो देर आफ्टर फिर कर्नाटका में कुछ पोर्ट थे गौड़ में कुछ पोर्ट थे और फिर यहाँ के जो लोग हैं उनके नाम जो वो जावा वाला जो एरिया है प्रिसाइजली साउथ ईस्ट एशिया अभी का तो वहां के लोगों ने लेके रखे हैं देयर आफ्टर फिर कौन सा आइटम इम्पोर्ट होते थे कौन से इम्पोर्ट होते थे एक्सपोर्ट होते थे हम लोगों ने पहले भी देख लिया था सेम ही आईपोर्ट है आइटम से बान लॉज अगर इंडिया से बाहर जा रहा है तो क्या जाएगा प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन जाएगा इंडिया का कॉटन है वो जाएगा एंड आफ्टर इंडिया के जो स्पाइसेस है वो जाएंगे इन रिटर्न इंडिया में क्या आता था देन सबसे इंपॉर्टेंट था सिल्क जो चाइना से आता था हॉर्सेस जो बेसिकली कहाँ से आते थे सेंट्रल एशिया से आते थे बट अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आपको बाकी वाले आइटम भी मिलेंगे राइट जैसे लग्जरियस ट्रेड वाले आइटम होंगे तो कोई तो हाई लेवल पॉटरी होगी जैसे एम्फोरा जार या फिर वी कैन क्लियरली टॉक अबाउट जो बड़े बड़े आपके जो पेरिशेबल कमोडिटीज है जैसे वाइन होगी या फिर ड्राई फ्रूट होंगे या फिर कोई एग्जॉटिक फ्रूट हो सकता है तो ऐसी कमोडिटीज इंडिया में इम्पोर्ट की जाती थी देर आफ्टर इंडिया वॉज अ सेंट्रल पॉइंट ये भी मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन किया था मैप में जब हम छोलाज वाला मैप देख रहे थे राइट right? कि अगर आपको ट्रेड करनी है कहां से कहां पे चाइना से लेके यूरोप के बीच में देन यू नॉट बाईपास इंडिया तो इंडिया हैज बीन अ सेंट्रल पॉइंट पीरियड ऑफ़ द टाइम और अभी भी जो है इंडिया बेसिकली सेंट्रल पॉइंट फिर इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया का जो वेटेज है वो हमेशा से ही अच्छा रहा है देर आफ्टर फिर रोल ऑफ द इंडियन ट्रेडर जो है वो इंडियन ट्रेडर ऑब्वियसली अगर बड़े बड़े हम लोग देखेंगे कि अगर गिल्ड बना के रहेंगे जैसे नानदेशी या फिर मनी ग्रामम देन इनका रोल जो है वो ऑब्वियसली ओवरऑल ट्रेड में अक्रॉस द वर्ल्ड वो हमेशा से अच्छा रहा है एंडर आफ्टर फिर चाइनीस पोर्ट जो है वो भी इसके भी नाम एनसीआर ने ने देखे रखा है मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया की जो शिप है वो कहाँ पे जाती थी तो कैंटन एंडर आफ्टर फिर कानफू में तो दिस इज समथिंग जो एनसीआर ने फैक्चुअल डाटा के लिए के रखा है फिर स्टेट सपोर्ट मिला ही है आपका एग्रीकल्चरल सरप्लस उसके बिना आपका इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट बढ़ेगा उसके बिना ना आपका ट्रेड एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा बट ट्रेड एंड डेवलपमेंट में भी जो बेसिकली आपको जो लार्ज लेवल की जो शिप्स लगेंगी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द शिप लगेगा ये किसने अर्लिएस्ट लेवल पे का चालू किया है देन सर्टन किंग्स ने चालू किया है एज फार एज शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी हमने देखा था लोथल में सबसे पहले हम लोगों को मिले, में. एक के शिप का जो इमेज है चाणक्य वाला कंसेप्ट जिसमें उसने फोर लिम ऑफ आर्मी के बताए थे जिसमें उसने बताया था कि कैवलरी होती है एक इन्फेंट्री होती है एंडर आफ्टर एक एलिफेंट फोर्स होता है एंडर आफ्टर एक नेवी होती है तो नेवल फोर्स इवन मौरियंस के टाइम पे था देर आफ्टर फिर पोस्ट मोरियन पीरियड में हमने देखा है कि जो शिप है उसके इमेजेस हमको कॉइंस पे मिले हैं किसके कॉइन पे तो सातवाहना के कॉइन्स पे भी मिले हैं गुप्ता के कॉइन पे भी मिले हैं तो एंशियंट पीरियड से ही नॉर्थ इंडिया में जो शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल थी वैसे ही अगर हम लोग साउथ इंडिया की बात करें देन संगम लिटरेचर हमने देखा था संगम लिटरेचर में अगर आपको याद रहेगा देन छोला डायनेस्टी जो है जो पहले की संगम पीरियड की है जो पोस्ट मौर्यन पीरियड की डायनेस्टी है सेंचुरी बीसी से लेके सेकेंड सेंचुरी एडी के बीच वाली डायनेस्टी तो छोड़ डायनेस्टी में हम लोग को एविडेंस मिले कि उनका एक किंग था एलारा नाम का जिसने श्रीलंका को कैप्चर करके रखा था वाया नेवल एक्सपीडिशन तो एम्पल अमाउंट ऑफ द एविडेंसेस आर देयर कि सेकेंड सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड इट सेल्फ नॉर्थ एज वेल एज साउथ इंडिया में शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है वो हमेशा से इंटीग्रल पार्ट रही है एंड फिर ये शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने का जो काम है वो हमेशा से किसने किया है देन ऑब्वियसली वो रॉयल क्लास ने किया है बिकॉज दो फायदे होते थे इसमें सबसे पहले तो अगर स्टेट क्राफ्ट है हमने एंशंट इंडिया में भी देखा था आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द रेवेन्यू जो है वो जमा करने पड़ते हैं तो आपको ट्रेड डेवलप करनी पड़ेगी नॉर्थ इंडिया में शिप बिल्डिंग और ट्रेड का क्या लेना देना है देन रिवर आइन ट्रेड तो रिवर आइन ट्रेड के लिए आपको शिप्स लगेंगी एंड वैसे ही फिर आपको नॉर्थ इंडिया में एक नेवल फोर्स भी लगेगा बिकॉज जो आपकी पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है वो बेसिकली रिवर आइन सिंह है वैसे ही, फिर इंडिया अगर बात करे, India, ट्रेडिशनल ही संगम पीरियड ऑनवर्ड ही ये लोग जो है इन्होंने इंडिया का जो कल्चर है वो इंडिया के बाहर फैलाने का काम किया था नाइन टेंथ सेंचुरी के अराउंड राजेंद्र वन एंड उसके पहले राज राजा वन इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे इन लोगों ने श्रीलंका एंड आफ्टर फिर जावा सुमात्रा आइलैंड दैट इज साउथ ईस्ट एशिया जो है वो कैप्चर करके रखा था राइट right? तो ऑल दिस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड और डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स इन आवर कंट्री वैसे फिर चाइनीज एंड अरेबियन शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी काफी सुप्रीम थी इस टाइम पे तो उनसे भी हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें सीखी एंड सबसे इंपॉर्टेंट है मैरिनस कंपास राइट right? तो मैरिनस कंपास इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इसको हिंदी में आप हुका यंत्र भी बुलाते हो ओके okay? तो वो मैरिनस कंपास जो है वो बेसिकली चाइना से इंडिया में आया हुआ है और इंडिया में बेसिकली ये मैरिनस कंपास यूज किया गया इसी को यूटिलाइज करके तो ऑब्वियसली आप पूरा का पूरा सी ड्रेवल जिसको वो याद जो बोलते हैं वो आप करोगे एंडर आफ्टर फिर अल्टीमेटली इंडिया ट्रेड विद द वेस्टर्न डिक्लाइन बट ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना ग्रो स्टेडिल द लीड इन द ट्रेड वॉज टेकन अप बाय द साउथ इंडिया बंगाल गुजरात दिस वॉज इंपॉर्टेंट फैक्टर सिग्निफिकेंट so कि नॉर्थ इंडिया का जो टाइम से ट्रेड चला रहा था इट वॉज बिकॉज ऑफ देयर कॉन्टैक्ट सेंट्रल एशिया अब वो टूट चुका था नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो चुका था एंड दैट्स ट्रेड जो है ट्रेड एंड कॉमर्स अब वो साउथ इंडिया में शिफ्ट हुआ था गुजरात में भरूच पोर्ट हमने देखा था बंगाल में ताम्र पोर्ट ये दोनों इम्पोर्टेंट सी पोर्ट थे ड्यूरिंग दी अर्ली मिडिवल पीरियड यही से सारा का सारा जो माल है वो प्राइमरीली फ्लो होता था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर छोल डायनेस्टी के अंदर जितने भी एरियाज थे वहां पर भी इन लोगों ने पोर्ट सिटीज डेवलप करके रखी थी तो साउथ इंडिया में बेसिकली देर वॉज अ शिफ्ट ऑफ वॉट देन ट्रेड एंड कॉमर्स का शिफ्ट तो यही इंफॉर्मेशन बेसिकली एनसीआर टी ने हम लोगों को दी है देर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन एजुकेशन साइंस एंड लर्निंग के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे एज फार एज एजुकेशन मैंने आपको ये पहले ही ये पूरी की पूरी प्रोसेस समझाई थी कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टमश्रम धर्म पे पूरा का पूरा सिस्टम है एंड जब वर्णाश्रम धर्म की कंसेप्ट आती है देन ऑब्वियसली इट मीन डिनाइल ऑफ द एजुकेशन टू द लोअर वर्ण प्रिश्टर शूद्र इन दोनों को फिर आप एजुकेशन दोगे क्या तो नहीं दोगे एंड दैट इज वॉट हैजर हियर तो मैंने आपको इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे राइट right? महाभारत में हम लोगों को एग्जाम्पल मिला है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि भाई आप ट्राइबल हो हम आपको नहीं सिखा पाएंगे मैं जो है वो सिर्फ क्षत्रियो को सिखाता हूँ राइट अल्टीमेटली फिर जब एकलव्य ने खुद सीखना चाह देन ऑब्वियसली उसका भी अंगूठा काट लिया तो इट वॉज बेसिकली वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे पहले तो आप लोअर वर्नों को एजुकेशन दोगे ही नहीं एंड उन्होंने लो भी लिया देन फिर भी उनके ऊपर या फिर उनका एजुकेशन आपको छीनना है इसका राइट जो ब्राह्मणिकल क्लास को मिल गया इसको एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कर्ण का एग्जाम्पल जो अगेन रिलीजियस स्क्रिप्चर वाला स्टोरी है कि कर्ण जो पहले गुरु द्रोण के पास गया मना कर दिया फिर परशुराम के पास गया परशुराम ने भी एक प्रण लेके रखा था कि मैं सिर्फ ब्राह्मणा को ही विद्या अपनी पास ऑन करूंगा तो इसने धोखा दिया कि मैं ब्राह्मणा हूं And फिर विद्या ले भी ली बट विद्या लेने के बाद शाप मिला एंड ब्रह्मास्त्र को याद ही नहीं आया ड्यूरिंग द बैटल फेल तो ये सिग्निफाई किया गया कि भाई आप लोअर वर्ण से हो तो आपके पास एजुकेशन का कोई राइट right नहीं है एंड भले ही आपने गलत मीन से एजुकेशन ले लिया देन अपर वर्ण है राइट टू टेक बैक दैट एजुकेशन फ्रॉम यू तो ये जो वर्णाश्रम धर्म वाला जो कंसेप्ट है उसमें जो चार वर्ण है

दोनों के पास पैसे थे ट्रेड एज वेल एज एग्रीकल्चरल फ्लरिशिंग था बट अब दोनों जो है बेसिकली डिक्लाइन हो चुके हैं ये बेसिकली प्रोलिफरेशन ऑफ द जाति एंडर आफ्टर फिर जो अपर वर्ण एंड लोअर वर्ण का सेग्रीगेशन ये प्रोसेस अब हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया में देखा है तो लोअर वर्ण के पास अब पैसा भी नहीं है एंड फिर धर्मशास्त्र धर्म स्मृति धर्म जो है वो ब्राह्मणा क्षत्रिय मोनोपोली को रीअसेट कर रही है And that's why, फिर डिनायल ऑफ देशन जो हमको यहाँ पे दिखाई दिया है तो education का एज सच कोई कंसेप्ट जो है इंडिया में पहले से ही नहीं रहा है एंड फिर यहाँ पे आते आते तो हमने देखा है कि जो वर्ण बेस्ड नॉलेज है वही अब बेसिकली दिया जा रहा है और ये नॉलेज फिर आपको कहाँ पे मिलेगा देन आपको मिलेगा ब्राह्मणा के द्वारा तो ब्राह्मणा कहाँ पे रह रहे तो ब्राह्मणा रहेंगे एक तो उनके आश्रम में राइट तो जंगल में जाओ आश्रम में वहां पे आप विद्या ले सकते हो या फिर टेम्पल में तो टेम्पल में जाके भी आप क्या कर सकते हो तो विद्या ले सकते हो एस फार बैठा हुआ है वो डिसाइड करेगा कि किसको विद्या देनी है एंड किसको नहीं देनी है एंड एज टेम्पल इज कंसर्न देन टेम्पल की जो कमिटी होती है दैट इज सभा हमने कल ही देखा था ब्राह्मणिकल कमिटी सभा होगी या फिर महासभा होगी तो वो डिसाइड करेगी कि किसको एजुकेशन देना है एंड किसको नहीं देना है बट इन केस अगर एजुकेशन आपने दे भी दिया तो सिंस इट इज अ ब्राह्मीनिकल एजुकेशनल सिस्टम देन आपको क्या सिखाया जाएगा फिलोसॉफी वेदा ग्रामर एक्सेट्रा एक्सेट्रा देर आफ्टर फिर एजुकेशनल सेंटर भी हम लोगों को कुछ कुछ मिले हैं बट अनफॉर्चुनेटली ये जो एजुकेशनल सेंटर है वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड नहीं है बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है जैसे नालंदा हो गया विक्रमशिला हो गया एंडर आफ्टर फिर उदांतपुरी हो गया एंडर आफ्टर कश्मीर में भी वी कैन क्लियरली सी ओके जो एजुकेशनल सेंटर जो वो डेवलप्ड हो रहे थे एंडर आफ्टर फिर साउथ में मदुराई जाम का एंडर आफ्टर श्रृंगेरी ये दो काफी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर जो है ये ये है क्यों है बिकॉज ऑब्वियसली देर टेम्पल आर्किटेक्चर दोनों टेम्पल टाउन है इंडिया में आज भी एंड इन दैट कैपेसिटी यहाँ पे आपको जो हायर एजुकेशन जो है वो मिलेगा बट अनफॉर्चुनेटली हायर एजुकेशन किसको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणा क्षत्रियो को मिलेगा क्यों बिकॉज हायर एजुकेशन लेने से पहले तो आपको प्राइमरी एजुकेशन लेना पड़ेगा उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा जो लोकल टेम्पल है या फिर लोकल आश्रमा है वहां पर एंड वहां पर मैनी ऑफ द टाइम या फिर नाइनटी नाइन पॉइंट नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द टाइम जो ब्राह्मणा है लोअर वर्ण को एजुकेशन नहीं देता था तो दिस वॉज दी ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम ऑफ दी इंडिया जो वर्णाश्रम धर्म बेस्ड है मैंने आपको एंशंट इंडिया में भी बताया था बट अगेन यही ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है अल्टीमेटली आर्टिकल 45 से हम लोगों ने ब्रेक डाउन की है दैट इज राइट टू एजुकेशन जो लेटर ऑन अभी आर्टिकल ट्वेंटी वन ए में हम लोगों ने डाल के रखा है इट इज ऑल अबाउट दी एक्सेस तो राइट टू एजुकेशन होना चाहिए और किसको होना चाहिए तो ईच एंड एवरी किड होना चाहिए इर रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट रिलीजन जेंडर एक्सेट्रा और फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है तो डायरेक्टली स्टेट की है तो ये जो हर एक आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है मैं आपको पहले भी बताया था बहुत सारे लेक्चर में उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है एंड वो हिस्ट्री के वजह से ही फिर ये जो आर्टिकल जो है वो आप हम लोगों को दिखते हैं कहाँ पे दिखते हैं देन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखते हैं एंड डेट्स फिर अगर कभी आप आके आपको कोई बोले कि भाई प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन इज गुड और बैड देन उसको ये सारी चीजें आपको समझानी है कि भाई प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन इज नॉट गुड बिकॉज जब आप प्राइवेटाइजेशन पे जाओगे देन ऑब्वियसली वही जो एंशंट इंडिया वाला कंसेप्ट है आप यहाँ पे लेके आओगे बिकॉज अल्टीमेटली अमीर बंदों के हाथ में सब कुछ चला जाएगा इंडिया में ट्रेडिशनली ही ये अमीर बंदे कौन है देन ये अपर कास्ट अपर वर्ण वाले लोग हैं एंड समवेयर डाउन द लाइन ओके अब ये क्या करेंगे पैसे के थ्रू जो है वो नॉलेज मोनोपोली कर सकते हैं राइट right? जैसे आपने देखा भी होगा आपके आजू बाजू में एजुकेशन कितना महंगा हो चुका है एंड अगर आपको एजुकेशन अफोर्ड ही नहीं हो रहा है देन ऑब्वियसली आपके बच्चे को इन्फीरियर क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा जो अफोर्ड करेगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम अपर वर्णा अपर जाति वाला बंदा है एंड वो वाले बंदे को ही अच्छा एजुकेशन मिलेगा सो so, ये बैड एस्पेक्ट है जो ट्रेडिशनली ही इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में हमने देखे हैं देर आफ्टर फिर ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंसर्न गुप्ता पीरियड वॉज कंसिडर एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी बट अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका कंप्लीट डिग्रेडेशन या फिर डिक्लाइन जो है वो इंडिया में हो चुका है तो इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम में ओके इंडिया नो रिगार्डेड अ लीडिंग कंट्री इन द फील्ड ऑफ द साइंस सबसे इंफॉर्मेशन तो हम लोगों को मिली है 1030 में एक बुक लिखा था दैट इज किताब उल हिंद ये बुक किसने लिखा था तो अल बरूनी ने लिखा था एंड ये अल बरूनी कौन था तो इस्लामिक स्कॉलर था जो महमूद ऑफ गजनी के साथ इंडिया में आया था जब भी कोई रेड होती है देन अभी के लिए तो आपको रिलीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे बट ये लोगों को लिए रिलीजन नहीं पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया पे अटैक करने से पहले इंडिया के स्कॉलर है वो गजनी में बुलाए थे वो स्कॉलर को अपने स्कॉलर से भी मिलवाया था एंड इन दैट कैपेसिटी इंडिया का जो लैंग्वेज लिटरेचर जो है वो अपने स्कॉलर्स को उसने सिखाया था क्यों बिकॉज रेड मारने जाना है तो दो एस्पेक्ट होते हैं एक तो धमकी दो एंड फिर लोकल रूलर से पैसा वसूलो अगर लोकल रूलर नहीं माने तो फिर आप जाकर उसके ऊपर रेड करो एंड कंप्लीट साम्राज्य लूट करो प्लंडर करो डिस्ट्रॉय करो तो बट दोनों कैपेसिटी में आपको क्या लगेगा कोई ऐसे स्कॉलर आपके कोर्ट में लगेंगे जिनको वो लोकल लैंग्वेज आती है इन लोगों को तो आती नहीं थी तो दैट्स इन लोगों ने संस्कृत सीखी बट गजनी मोहम्मद ऑफ गजनी खुद थोड़ी ना सीखेगा वो सीखने के लिए इसने अपने कोर्ट में स्कॉलर मेंटेन रखे थे एंड वन ऑफ द स्कॉलर वाज अल बरूनी जिसको ये इंडिया में लेके आया था बट लेके आने से पहले इसको गजनी में ही सारा का सारा जो इंडिया का पास्ट का नॉलेज एंडर आफ्टर जो संस्कृत है उसका भी नॉलेज लिया गया था तो इस बंदे ने संस्कृत भी सीखी थी इस बंदे ने वेदा पुराना भी पढ़ के रखे थे इस बंदे ने अर्थशास्त्रा भी पढ़ के रखी थी एंडर आफ्टर उसके बाद में इसने जो गुप्ता पीरियड के जो कालीदासान जो दूसरे टेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट वो भी पढ़ के रखे थे तो ये सबके बारे में उसने इंफॉर्मेशन जो है अपने बुक में देके रखी है दैट इज किताबुल हिंद एंड फिर इसके बुक की यही खासियत है इसने क्या किया है इंडिया का जो वन जीरो थ्री जीरो का जो सोसाइटी पॉलिटी इकोनॉमी एंड कल्चर है उसको उसने पहले कंपेयर किया इंडिया के पास से एंड फिर उसने उसको कंपेयर किया है उसकी होम टाउन से ये खुद ईरान से आया था पर्शिया से आया था एंड फिर इससे हम लोगों को पता चलता है कि कंटेम्प्रेरी लोग क्या सोचते हैं कैसे रहते हैं इनका एग्जैक्ट एटीट्यूड क्या है एंड ये बुक से हम लोगों को अल्टीमेटली पता चला है कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में मतलब वन जीरो थ्री जीरो में लोगों को अपने पास के बारे में ही ज्यादा पता नहीं था साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो कंप्लीटली डिग्रेड हो चुका था लोग जो है धर्म को ज्यादा मानते थे रैशनैलिटी साइंस को कम एंड ऑन दी अदर एंड इंडिया जो है वो पर्शिया से अब पीछे चला गया था एज फार एज डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंसर्न ओके okay, तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो उसने देखे रखी है बट वो ऑप्शनल के लिए है ओके एज फार एज जी एस या फिर दिस थिंग इज कंसर्न दैट इज प्रिलम्स इज कंसर्न देन इसमें सिर्फ इतना ही याद रखो कि हम लोग अब लीडिंग फील्ड या फिर लीडिंग कंट्री नहीं थे साइंस में जो एक जमाने में हुआ करते थे बट स्टिल एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो साइंस एंड एजुकेशन जो वो इंडिया में बचा हुआ था रैपिड डिटेरियोरेशन वॉज देयर जो फिर 1200 हंड्रेड ऑनवर्ड जो है सीमेंट हो चुका था 1200 के बाद तो इंडिया में एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी डेवलपमेंट हमको नहीं मिला है इसके पहले थोड़ा तो थो हमको मिला है तो सबसे पहले जो एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स में जो सतीश चंद्रा उन्होंने वही कहा है कि एस्ट्रोनॉमी जो है इस वॉज ग्रेजुअली पुस्ट इन टू बैकग्राउंड बाई दी एस्ट्रोलॉजी मतलब जो हम लोगों ने सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र जो चालू किया था वो एक्चुअल में ज्योतिष शास्त्र नहीं था वो खगोल शास्त्र था दैट इज एस्ट्रोनॉमी था और ये एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन इंडियंस ने गैदर की थी अब उसको अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था किसमें तो ज्योतिष शास्त्र में तो दिस इज वन ऑफ द फैक्ट जो सिर्फ और सिर्फ ओके okay, सतीश चंद्राई लेमेंट नहीं कर रहा है अलबरूनी का भी सेम कहना था कि जो ज्योतिष जो शास्त्र वाली जो कंसेप्ट जो है वो एक जमाने में एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र के नाम पे डेवलप की गई थी बट अब जो है काफी साइंस जो इंडिया में बनता जा रहा है, बट फिर भी कुछ डेवलपमेंट हुई थी जैसे मैंने आपको बताया था उसमें लीलावती ऑफ भास्कराचार्य काफी इंपॉर्टेंट बुक है बट इसमें भी आपको वही याद रखना है भास्कराचार्य का एक मेन बुक था देट इज सिद्धांत शिरोमणि यह एक्चुअली मेन बुक था भास्कराचार्य का और इसके टोटल तीन पाठ थे सबसे पहला वाला जो पाठ था वो था लीलावती दूसरा वाला जो पाठ था ओके दैट वाज बेसिकली रिलेटेड टू द बीज गणित बीज गणित इट इज द यू कैन से अल्जेब्रा अलजेब्रा को संस्कृतिक वर्ड है बीज गणित एंड आफ्टर फिर ग्रीह गणित okay, या फिर वी कैन से दैट गोलाध्याय ओके okay, तो ग्रीह गणित और गोलाध्याय ये जो बेसिकली और नहीं है ये दो बुक है बट ये दोनों बेसिकली वी कैन कंसिडर जो थर्ड पार्ट है उसी के कॉम्पोन है तो तो इसमें फिर लीलावती इटसल, जिसमें सर्टन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना वो उसने बताया था उन्होंने बताया था आचार्य तो भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि इज वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ द 11th सेंचुरी इंडिया जिसने मैथमेटिकल डेवलपमेंट एंशियंट टाइम में जो बृहस्पति का सिद्धांत एंड आर्य भाटिया में हमको मिली थी उसको एक लेवल आगे लेके जाने का काम किया है एंड एज फार एज फिर मेडिसिन इज कंसर्न देन साइंस ऑफ मेडिसिन ऑफ इंडियन जो है वो कंप्लीटली भूल चुके थे एंड इन दैट कैपेसिटी कंप्लीटली भूल गए थे मतलब क्या हुआ था देन ऑब्वियसली मेडिसिन या फिर मेडिकल नॉलेज इन्वॉल्व डाइसेक्शन ऑफ द बॉडी अब डाइसेक्शन ऑफ द बॉडी करना है तो गंदी चीज है गंदी चीज है देन ऑब्वियसली वो लोअर वर्ण के पास पास ऑन हुई एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धर्मशास्त्रा एंड धर्मसूत्रा दोनों ने भी ये साइंटिफिक मेडिकल नॉलेज जो है उसको डिनाई किया है उसका एग्जिस्टेंस डिनाई किया है एंड उसको बार रिलीजन बताया है मतलब बार मतलब जो लोअर वर्ण का रिलीजन है पशु धर्म है वो बताया है एंड डेट्स ए थोड़ा बहुत आयुर्वेदा के ऊपर फोकस किया है उन्होंने कि जो ट्रेडिशनली जो आयुर्वेदिया चल रहा है उसी के ऊपर फोकस करेंगे आगे बढ़ेंगे बट आयुर्वेदा की भी डेवलपमेंट इतनी ज्यादा जो है वो आर्यनिकल रिलीजन ने नहीं करवाई बट इन एनी केस ओके जो मर्क्यूरी का यूज जो होता है मेडिसिनल पर्पज में वो हम लोगों को यहाँ पे होता हुआ दिखाया है एंड आफ्टर फिर साइंस एज कंसर्न देन ट्रीटमेंट ऑफ द हॉर्सेस एंड एलिफेंट वेर क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज हॉर्स कैवलरी एंडर आफ्टर फिर एलिफेंट दोनों के दोनों का इस्तेमाल जो है इलेबोरेट वे में होता था नेवी में तो दैट्स फिर उनके डिसीजेस जो है वो ट्रीट करने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ तो काम किया है ओवरऑल फिर हम लोग वही कह सकते हैं कि जो इंडिया का जो पूरा का पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे स्टेगनेट होता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया है एंड अल्टीमेटली जो अल बरूनी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था उसका एक स्टेटमेंट भी है इंडियन के बारे में कि दे आर टू हॉटी फुलिश वेन सेल्फ कंसीटेड एंड स्टॉलेड दे आर बाय नेचर निगार्डली इन कम्युनिटिंग दैट विच दे नो एंड दे टेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल केयर टू विथ होल्ड इट फ्रॉम द मैन ऑफ दी

एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियंस जो ऐसा है ऐसा मानते हैं कि उनके अलावा अगर कोई दूसरा बंदा है मतलब नॉन आर्यनिकल नॉन हिंदू बंदा जो है तो उसको तो कुछ भी नहीं आता वो बेवकूफ ही है एंड दिस इज बेसिकलीफ द इंडियन जिसके बारे में उसने लिख के रखा है can clearly see आज भी चलता है राइट तो दिस इज समथिंग दैट इज क्वाइट लेमेंटेबल फैक्टर विच वॉज अकॉर्डिंग टू अल बरूनी दैट वॉज देयर बिकॉज ये जो है अल बरूनी का स्टेटमेंट ही वॉज कम्पेयरिंग इट विद द पास्ट Okay, और उसका ही कहना है कि भाई एक जमाने में जो ग्रेट एंशियंट पास्ट जो मैंने पढ़ा है इनके किताबों में वो अब मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा तो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू व्यू एंड आई गेस दैट विल बी इट फॉर टूडेज लेक्चर बट अगेन गाइड जाते जाते वी कैन ओके थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर लेंगे ईयर एंड चल रहा है राइट right? खुशियों का मौका है तो ईयर एंड सेल जो है दैट इज ऑल्सो देयर वायर स्टडी आई क्यू

अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो एक बार देख लेना उसमें मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके रखी है कि अब इसमें आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये वाला जो बैच है स्पेसिफिकली 2024 के कैंडिडेट के लिए है अब 2023 वालों के लिए टाइम नहीं बचा है प्रिलम्स पढ़ने का टाइम है उसे में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करोगे ओके ट्वेंटी वाले जो बंदे हैं उनके लिए ये बैच है स्पेसिफिकली द सूनर यू स्टार्ट द सूनर इट विल बी बेटर फॉर यू बिकॉज अल्टीमेटली जितना पहले पढ़ोगे उतना बाद में रिविजन के लिए टाइम बचेगा राइट तो इफ़ यू आर फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड गई नॉट ओनली यूपीएससी बट ऑल्सो कोई भी स्टेट पीसीएस देन यू कैन अवेल दिस बैच एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट हार्डली टेन के में है ओके रफली ट्वेंटी फाइव टू थर्टी लेक्चर्स आई एम गोइंग टू कंडक्ट फॉर एंशियंट मीडियवल मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड रफली तो एक 120 से लेके 130 लेक्चर में वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफ द कोर्स ये वाला जो बैच है वो मॉडर्न इंडिया से चालू होने वाला है मॉडर्न इंडिया के बाद फिर मॉडर्न वर्ल्ड होगा उसके बाद में फिर एंशियट एंड करवाएंगे तीन टाइप के नोट्स मिलेंगे जो मैंने आपको बता के रखा है की पीपीटी क्रक्स मटेरियल एंड आफ्टर हैंड रिटर्न नोट तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है गाइज सो इफ यू वॉन्ट टू मेक योर प्रिपरेशन इन एन एफिशियंट मैनर ये स्कोर थ्री हंड्रेड प्लस इन दी ऑप्शनल लाइक आई डिड

थैंक यू सो मच गाइज विल बी स्टॉपिंग ओवर हियर टूडे फिर मिलते अगेन कल वाले लेक्चर में अगेन एक या फिर एट द मोस्ट दो लेक्चर जो है रिकॉर्डेड वर्जन में ही चलेंगे सो थैंक यू सो मच गाइज विल बी स्टॉपिंग ओवर थैंक यू स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल